तो एक्चुअली मेरा नाम शादाब रहीम नहीं है व्हाट्स योर रियल नेम फिर? एक्चुअली। आई इट्स बीन सो लॉन्ग बूट पॉलिश टिल जूस की दुकान पे काम करते। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि और ब्रेकडाउन वीडियोस कब आएंगे? हाय, हाउ आर यू? हेलो वासुदेव, कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड। और क्या चल रहा है आजकल? बस सेम जिंदगी। सो हाउ इज इट? मतलब अच्छा, यू आर इन योर स्टूडियो ओनली? अच्छा, वही वाला सेटअप? ये हमारा बैक व्यू है स्टूडियो का। आई एम इन माय स्टूडियो, दीज आर रियर स्पीकर्स। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। नहीं, सो यू नो, एक्साइटेड टू हैव यू हियर। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं आपके लिए, तो खूब ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे आपसे एंड डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मैं सीखने वाला हूँ। नहीं, सो आई हैव बेसिकली ना प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो आई विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस। बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, कुछ मे बी यू नो रिलेटेड टू योर मतलब पॉजिटिव वाला जो कैरेक्टर है, पॉजिटिव वाला जो आपका साइड है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से मैंने यू नो पिक किए हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो पहला क्वेश्चन ये है दैट यू नो यू डूइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, रिकॉर्ड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, फिल्म स्कोर 5.1, डॉल्बी एटमॉस, इतनी सारी चीज़ें हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क कि व्हाट्स पर्सनली योर फेवरेट थिंग, या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है नहीं मेरे को ये सबसे ज़्यादा बहुत पसंद है, मतलब एक ये फोटो है मेरा, इज देयर एनीथिंग? अभी देखो मैं ये सारी जो मल्टीपल थिंग्स करता हूँ, जैसे शो हो गया, एटमॉस हो गया, सराउंड हो गया, स्टीरियो मास्टरिंग, व्हाटएवर, ऑल दिस सेपरेट सेपरेट जो सेक्शंस है, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इन सब का कॉमन पॉइंट है म्यूजिक। सो इफ यू गिव मी समथिंग विच डजंट हैव म्यूजिक, इसमें म्यूजिक नहीं होता है, मतलब अगर इसमें डायलॉग है, इफेक्ट्स है कुछ ऐसा, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। करेक्ट। आई थिंक म्यूजिक के वजह से ये सारे मेरे फेवरेट है, इसलिए मैंने हर जगह हर समय कोशिश किया है कि एक सर्टन उस सर्टन आर्ट को सीखूं और उसको अप्लाई करूं और उस पर काम करूं। बट इन सब में मेरा सबसे फेवरेट स्टीरियो मिक्स ही है। स्टीरियो मिक्स? हाँ, स्टीरियो मिक्स, क्या बात है। बहुत ज़्यादा टाइम तक किया होगा, मे बी दैट इज ऑल्सो द रीजन, क्योंकि चल ही रहा है स्टीरियो मिक्स तो। स्टीरियो मिक्स तो चल रहा है, दैट्स द बेस ना। एग्जैक्टली, लाइक यूट्यूब एंड एवरीथिंग, वॉट एवर स्ट्रीमिंग, बट नाउ या वी आर शिफ्टिंग टू, थिंग्स आर मूविंग अहेड एंड टेक्नोलॉजी टू एटमॉस, सो डेफिनेटली बट एक लिटिल व्हाइल, बट देन या ऑन द वे। क्या बात है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट, ऐसा इंसान मतलब हु इज योर फेवरेट दैट यू वर्क विद, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर मतलब आप तो सभी के फेवरेट होंगे, तो ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा यू नो बॉन्डिंग होती है? सो मेरा फेवरेट, एक सीक्रेट क्या है कि अगर मेरा कोई फेवरेट, मतलब मैं सिर्फ फेवरेट लोगों के साथ ही काम करता हूँ। अच्छा। तो अभी आप सोच लो कि मैं जिनके साथ भी गाने मिक्स करता हूँ, जिसके साथ भी यू नो आई एम रिलेटेड टू एंड वर्किंग विद, वो सब मेरे फेवरेट है। क्या बात है, क्योंकि दैट इज व्हाई यू नो दे ऑल लव यू सो मच, मतलब आई हैव सीन आपके लाइव सेशन पे, एवरीबॉडी इज देयर यू नो, एंड बहुत एक अच्छी वाइब आती है, इट्स मोर लाइक अ फैमिली, वो वाला रिलेशन नहीं है कि हाँ एक क्लाइंट है, क्लाइंट के साथ यू नो काम कर रहे हैं, वो नहीं, चीज नहीं, है ही मैं नहीं। क्लाइंट्स के साथ काम नहीं कर पाता। नहीं, करेक्ट करेक्ट। आई हैव सीन पीपल कीप आस्किंग कि आप सर कितना चार्ज करते हो और व्हाट प्रोजेक्ट्स डू यू टेक, एंड आई रिमेंबर यू टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि यू डोंट वर्क विद क्लाइंट्स, आप वो बॉन्डिंग देखते हो, वो रिलेशन देखते हो, एंड जहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, जहाँ पे फील नहीं हो रहा, तो यू डोंट डू इट। या आई काइंड ऑफ जस्ट टेक माय सेल्फ बैक स्टेज की जान दो यार अगली बार। करेक्ट। नहीं, एब्सोल्युटली। ओके, सो ये ना थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्पिरिचुअल साइड पे है, सो यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू नो यू आर नॉन स्टॉप वर्किंग, आप से कितनी बार बात हुई है, कभी 2 बजे, कभी 6 बजे मैसेज आता है, एंड देर आर सो मेनी डेज व्हेन यू डोंट स्लीप, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कैसे यू नो यू बैलेंस एवरीथिंग, कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हो, एंड सॉर्ट ऑफ एक फन साइड पे क्या मैम भी कंप्लेन करती है इस चीज से कि टाइम नहीं देते आप? एक्चुअली That way I'm blessed. That I'm a very supportive partner. बहुत ज़्यादा supportive, मतलब हर चीज़ों में। मैं कभी कभी इनफैक्ट एक पहले तो जहाँ पर मैं रहता था मैं उधर ही मिक्सेस करता था, राइट, मिक्स प्लेस वॉज नॉट डिफरेंट,
तो उधर ही रहना, उधर मिक्स करना, उधर ही नहीं सोना, एक घर में रह के नहीं मिलना एंड ऑल दैट. बट देन स्टिल शी इज वेरी वेरी शी एनकरेज मी अलॉट. बहुत एनकरेज करती कि नो नो स्ट्रेस, यू नो दैट इज योर मेन लव. सो सो इट्स दैट वे इट्स गुड. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आई एम अ यू नो अभी इसको कैसे बोला जाए, इफ यू आस्क मी स्पिरिचुअल लेवल पे तो मैं बहुत चोर हूँ एनर्जी का. करता हूँ राइट. मुझ में क्या है कि आई लाइक पीपल, आई मुझे बहुत पसंद है लोग, मुझे लोग बहुत ज्यादा पसंद है. तो मेरे आसपास अराउंड बहुत सारे लोग हर समय मिलेंगे आपको. तो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी टू यू नो गो ऑन वर्क मोड फॉर नॉन स्टॉप डे, टू डे, थ्री डे, फोर डे, इवन दो आई एम ट्रैवलिंग, गोइंग फॉर शोज, गिग्स, कमिंग बैक, going for any theater for Atmos mixes or coming back and doing it at my place at the mixes what I do. So that gives me, plus second thing is, you know, eat well. अच्छी चीजें खाइए. अच्छा है, discipline है आपके उसमें. सब students हमारे और सब नए young एंथो सब देखने वाले हैं लड़के. मैं उनसे ये बोलूँगा कि food habits अच्छे रखो. तो जब food habits अच्छे रहते हैं, हम साफ खाना खाते हैं, अच्छा clean ताज़ा, not junk, not all that, you know, call junk food होता है. तो अपने आप आपकी एनर्जी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती. यू कीप योर एनर्जी लेवल वेरी हाई एंड दैट लीड्स टू यू नो नॉन स्टॉप यू कैन जस्ट कीप मूविंग. थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा गुस्सा नहीं करो, थोड़ा यू नो एग्रेसिव नहीं रहो, मुस्कुराते रहो, लोगों से अच्छे से बात करो. तो ये सारी चीजें एक्चुअली इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके वर्क को. हम एज अ पर्सन हम जब कुछ करते हैं, हम म्यूजिक में कुछ भी करने की, म्यूजिक नहीं किसी भी फील्ड में अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी वांट टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल कि चलो 10 किलोमीटर नहीं और 5 किलोमीटर अपने आप को धक्का दे के यू नो और पुश करते हैं. तो उसके लिए हमको बॉडी के साथ साथ माइंड के हेल्थ की भी बहुत जरूरत है. करेक्ट. So healthy mind comes from healthy body, and healthy body comes by good eating habit, following some patterns, some basic exercises. Correct. Taking care of your health. Even though मुझे sleep time तो बहुत कम मिलता है. सही भाई. I'm very lucky कि अगर मुझे कभी बहुत 7-8 घंटे सोने को मिल गए तो it's like you know मेरे लिए बहुत blessing हो जाती है. Correct. But then ये आप meditations. Being, I'm a very spiritual guy. I follow बहुत ज़्यादा spirituality को follow करता हूँ मैं. So I think that keeps me calm. वो मुझे calm रखता है. नहीं, very nice. बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के. Because you know, even I'm that kind of a person who follows energy. तो वही चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी. How do you maintain it या करते हो? Because usually क्या होता है, sleep पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती. We get frustrated. थोड़ा सा टेम्पर वैसा आने लगता है. But then your points are really nice. कि you know, surround yourself with such people. एंड ईट हेल्दी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है. कहीं ना कहीं यू नो बॉडी की फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हो गई तो वो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट माइंड पे रहता है. जैसे काफ़ी बोलते हैं लोग कि पेट इज रिलेटेड टू यू नो योर हेल्थ डायरेक्टली. कभी गड़बड़ होती है तो डेफिनेटली नहीं है. इट्स ट्रू. करेक्ट भाई. मतलब हाँ, इट हैपेंस. सो या हम जो खाते हैं हम वो बनते हैं. नहीं, ये भी बात सही है. वेरी नाइस. इट्स प्रीटी गुड. आई मीन बहुत अच्छा लगा सुनके. ओके, सो द नेक्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू, कह सकते हैं थोड़ा सा इनिशियल स्टेज से रिलेटेड है. जब यू नो यू वर ग्रोइंग, या उस वक्त कहीं ना कहीं यू नो हम सब के लाइफ में एक वैसा फेज आता है जहाँ पे वी नीड टू सपोर्ट आर सेल्स फाइनेंशियली येट फॉलो आर पैशन. तो ऐसी कौन सी यू नो ऑड जॉब्स थी या ऐसी कौन सी चीज़ें थी दैट यू हैड टू डू इन योर लाइफ टू सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली, और थोड़ा सा मन मार के करना पड़ा कि यार चलो कोई नहीं, अभी जरूरत है इस चीज की, एंड यू नो सॉर्ट ऑफ बिल्ड योर एम्पायर उससे धीरे धीरे उस तरफ आए. सी क्या है वासुदेव, देखो एक मैं क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल थॉट्स रखता हूँ. मैं बिलीव करता हूँ कि कल रात में ही मैं एक्चुअली पुखराज माय असिस्टेंट न्यूली ही जॉइन मी. तो मैं उसको समझा रहा था कि इंस्टेड ऑफ पुलिंग थिंग्स फ्रॉम अबव और फ्रॉम आउटसाइड यू, बाहर से खींचने की बजाय, जो होता है ना हम नॉलेज खींचने की कोशिश करते हैं, हम किसी चीज़ को ग्रैब करते हैं और उसको लेते हैं और उसको ऊपर ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं. करेक्ट. अगर हम अपने अंदर डीप देखेंगे, यू नो द मोर डीपर वी गो इनसाइड, इट्स आई कॉल इट नेचर्स लॉ. मतलब यूनिवर्स का एक लॉ होता है कि अगर आपको पेड़
लंबा चाहिए तो उसकी रूट उतनी नीचे होनी चाहिए, उसकी नींव उतनी नीचे. बिल्डिंग आपको अगर जितनी लंबी खींचनी है तो उसका नींव उतना नीचे जाना चाहिए. एब्सोल्युटली. तो फर्स्ट यू गो डाउन एंड देन यू कम अप. So the stronger your root is, more better fruits and more better height you are going to reach. So किया तो मैंने बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में, मतलब I'll not go on the darker side, but yeah, from boot polish till juice की दुकान पे काम कर. अच्छा. जो एक so called बॉम्बे की जो एक story होती है. हाँ. बॉम्बे की कहानी होती है कि कोई एक छोटे से टाउन से कोई आता है और ड्रीम सपने देखता है, तो वो सारे एक नॉर्मल एक फिल्म की जो स्टोरी होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो सारी स्टोरी मैं जी चुका हूँ. और वो सारी स्टोरी जीने के बाद जब मैं आई एंडेड अप समहाउ इन वन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो जब मैंने मैं एक शूटिंग में स्पॉट का काम करता था, लाइक एज अ स्पॉट गाय, लाइट उठाना और ये करना. तो जब मैं स्टूडियो आया किसी काम से, तो आई वाज लाइक कि यार ये क्या है, ये एसी में बैठे हैं मस्त बहुत अच्छे से, सब लोग चिल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नोबडी शाउटिंग ऑन ईच अदर, नोबडी इज यू नो जोर से कोई बात नहीं कर रहा किसी से, सब प्यार से बात कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं. मतलब मुझे माहौल देख के इतना अच्छा लगा. मुझे ये नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग है या ये क्या मिक्सर, ये सब मुझे कुछ नहीं, बस मुझे वो माहौल देख के इतना मजा आया, मुझे लगा मुझे यही करना है. तो देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स डिड लॉट ऑफ थिंग्स. आई एक स्टूडियो जहाँ पर मैं रहता हूँ अंधेरी में, उसके पास में एक स्टूडियो हुआ करता था, और शायद अभी नहीं है, बंद हो गया, बहुत साल हो गए. तो उस स्टूडियो में मैं एज अ यू नो ऑफिस बॉय जैसा ज्वाइन किया, सब स्टूडियो खोलना, साफ सफाई, क्या बात है, इस शर्त पे कि रात में थोड़ा बहुत यू नो मुझे देखने को मिल जाएगा केबलिंग के बारे में, इसके बारे में. तो वहाँ से करते 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 देन आई यूज्ड टू लिव इन द टेम्पल, और स्टूडियो में काम करता था उधर, और मंदिर में रहता था क्योंकि रहने की जगह नहीं थी. तो ये सब बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारे चीजें है. बट देन आई द थिंग इज दैट कि यू शुड नेवर क्विट, शुड नेवर एवर क्विट इन योर लाइफ. आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है, क्योंकि आपका जो वो कुटिंग का जो पूरा प्रोसेस, पूरा जो एक ड्रेनिंग प्रोसेस जो एक जाता है लंबा कुछ सालों के लिए, व्हाट यू गो थ्रू, और मे बी इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी किसी के लिए उतने साल जरूरत नहीं लगे, बट मे बी क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था म्यूजिक से, ना तो मेरी फैमिली म्यूजिक में थी, राइट, तो एवरीथिंग वाज वेरी न्यू. और नीदर आई फिनिश लाइक मैंने स्टडीज वगैरह भी फिनिश नहीं किया, घर से भाग गया था, तो 10th करके भाग गया था घर से मैं. Not even 10th, मतलब मैं 10th का एग्जाम भी नहीं दिया. अच्छा. वाह क्या बात है, मतलब ऑन पेपर्स सब खुले में बोल दे रहा हूँ ये सब. क्या बात है. तो यू नो लर्निंग ऑल दैट फ्रॉम स्क्रैच, स्टडिंग अबाउट थिंग्स, कंप्यूटर्स जानना, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, तो इट्स ऑल सेल्फ. इंटरनेट बहुत करेक्ट टाइम पे इंटरनेट आया. मतलब मेरे लिए तो मेरा गुरु इंटरनेट है. मैंने इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा, और मैं सबको यही बोलूंगा कि डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ यू नो आप लोगों को देख के, जैसे आपके आइडल्स होते हैं उनको आप देखो, आप उनसे इंस्पायर हो, आप उनसे चीजें सीखो, आप उनसे खुशी लो, आप बांटो, आप साथ में काम करो, बट आप उस ट्रैप में मत फंसो कि ये ऐसा उनका हो गया तो मेरा ऐसा तुरंत हो जाएगा. करेक्ट. वेरी नाइस. एवरीबॉडी कम्स विद देयर ओन जर्नी. सब अपने अपनी जर्नी को लेके आते हैं, और उनके उनके डीड्स और उनके जो एक्शंस होते हैं उनसे उनका जर्नी डिसाइड होता है कि हाउ दे आर गोइंग टू यू नो मूव अहेड विद देयर लाइफ. सो आप बस, आपको जो चीज अच्छी लगती है अच्छी चीज होनी चाहिए, वो खराब चीज नहीं होनी चाहिए. अगर आप म्यूजिक में कुछ करना चाहते हो, अगर आप मिक्स में कुछ करना चाहते हो, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, तो जिस तरीके से आप अगर पौधा उगाना चाहते हो तो आपका रूट बहुत कम डालने की जरूरत है, यू नो जस्ट नीड 1 or 2 feet एंड देन बिकम अ प्लांट. बट अगर आप नीचे जाते जाओगे तो आप उतने ऊपर आते जाओगे. सो यू हैव टू गिव टाइम फॉर एवरीथिंग. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि कुछ करके या कुछ सीख के हमको 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ट्राई कर रहे नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पास भी सेम प्लगइन्स है, हमारे पास भी सेम कंप्यूटर है. सही बात है. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द जर्नी, एंड इन दैट जर्नी व्हाट एक्सपीरियंसेस यू गेन दैट लीड्स टू व्हाटएवर यू आर डूइंग. इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो,
हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग, हाउ मच यू आर गिविंग टाइम. आप 10 घंटा दे रहे हो रियाज के लिए, या फिर आप 10 घंटा दे रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, मिक्स करने के लिए, या जो भी आप सीख रहे हो. अबाउट उस वो सीखने के प्रोसेस में आप जो जर्नी ट्रैवल कर रहे हो, वो आपका जर्नी कैसा जा रहा है, किन लोगों के साथ आप टाइम बिता रहे हो, किस तरीके का टाइम बिता रहे हो, व्हाट योर थॉट्स आर, दैट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर वर्क एंड दैट डिसाइड्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन लाइफ. इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट लर्निंग वर्क. एब्सोल्युटली, आई बिलीव सो, आई थिंक सो, बिकॉज मैं मेरे जितने जिन कंपोजर के साथ भी मैं काम करता हूँ, वो सब मेरे दोस्त हैं. मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त हैं, तो मैं मेरे दोस्त हैं, तो ऑफकोर्स मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ. मतलब इतने करीब से जानता हूँ कि बाहर लोगों को पता नहीं होगी होगी बहुत सारी बातें. आई इवन नो व्हाट दे लाइक टू ईट एंड यू नो एवरीथिंग. आई नो अबाउट देम, देयर फैमिली, देयर रिलेटिव्स, एवरीथिंग. वी शेयर बॉन्डिंग. सो इन दैट बॉन्डिंग, इन दैट टाइम, व्हाट टाइम वी स्पेंड, हम जो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें देख के आई अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी कंपोजर का गाना सुनते हो, आपको उस कंपोजर का पर्सनैलिटी मालूम पड़ता है. आप अगर किसी इंजीनियर का मिक्स सुन रहे हो, तो आपको उसका पर्सनैलिटी उसमें दिखाई देगा. करेक्ट, यू नो दैट पर्सन वेरी क्लोजली, वेरी बहुत करीब से अगर आप उसको जानते हो. तो इट इज नॉट योर, इट इज ऑफकोर्स योर वर्किंग स्किल, वर्क स्किल, इट इज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड द टाइम यू पुट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू develop your personality. Because वही आपके काम पे reflect करता है. reflect करेगी. आपका काम, आपका music, आपका जो भी आप जिस चीज पे अपना energy और soul डाल रहे हो, वो reflect होता है आप. वो लोग महसूस कर सकते हैं, भले बता पाए या नहीं बता पाए, बोलेंगे अच्छा ये अच्छा लग रहा है, but that is basically your personality. So I somehow follow that kind of maths. So I give lot of time for everything. I don't rush up. मैंने कभी life में किसी चीज के लिए रश नहीं किया. कुछ नहीं हुआ है तो इट्स ओके, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, नो प्रॉब्लम, बट वो आ जाएगा. आ जाएगा और क्या. एंड व्हाट आई कैन सेंस, आपने इतनी सारी बातें बताई, जर्नी बताई, वो टेम्पल वाली स्टोरी बताई, सो व्हाट आई कैन सेंस इज दैट थ्रू आउट ऑल दो स्टेजेस यू वर स्टिल हैप्पी, यू वर स्टिल ग्रेटफुल एंड यू वर एंजॉयिंग दैट मोमेंट. क्योंकि जब तक हम एंजॉय नहीं करते प्रोसेस, तो वो चीजें बढ़ती नहीं है. मुझे भी आया, बहुत आया. और आते रहते भी है कभी कभी, बट देन इट्स जस्ट अ पार्ट. लाइफ कैनॉट बी लीनियर, यू नो, मजा नहीं रहेगा. It has to go up and down. You need to see that sad state. You then to experience the happy state to the fullest. आपको वो जाना पड़ेगा उस certain low state से. वो तभी तो मजा है life में. नहीं, मैं तो यही students को बोलता हूँ. पता है कभी students लेके आते हैं परेशानी की, ऐसी family problem हो गई, ये दिक्कत हो गई, professionally job में ये दिक्कत चल रही है. तो मैं उन्हें यही चीज कहता हूँ. अभी one of my students, you know, in online batch, उसका मतलब है कुछ सिस्टम है दैट वो अपना क्लास अटेंड करता है रात को अपने एफएम स्टेशन से, मतलब जहाँ पे वो जॉब करता है. सो वहाँ पे बैठ के ही इज़ अटेंडिंग द क्लास. सो यू नो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी. और मैं उन्हें यही कहता हूँ दैट यू नो इसको स्ट्रगल की तरह मत देखो, इसको इस तरह से देखो दैट अच्छी बातें मेरी लाइफ में ऐसे ट्विस्ट हैं, अप्स और डाउन्स हैं, तभी तो आगे मजा आएगा इंटरव्यूज में बताने के लिए. मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा ना. कल को अगर बनती है बायोपिक या कुछ ऑटोबायोग्राफी या कुछ भी बुक बनती है, तो कुछ मजेदार होगा ना उसके अंदर स्पेसिफाई करने को कि हाँ इसने ये चीजें की है. Yeah, of course, वो बहुत जरूरी एक्सपीरियंस करना. मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज पे. और आई थिंक दैट ओनली हेल्प मी टिल नाउ, बिकॉज अदरवाइज एज सच मैं किसी ऑडियो स्कूल भी नहीं गया हूँ. मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, मुझे किसी के अंडर काम करने का मौका नहीं मिला. अच्छा. मुझे बेसिक रिकॉर्डिंग मैंने सीखा सिर्फ 3 महीने के लिए. मिराज रहीन, वन इंजीनियर मिराज रहीन, सो ही टॉट मी द बेसिक वेयर इन द स्टूडियो, जहाँ पे मैं ये सब करता था, सीखता था. मुझे केबल के बारे में सिखाया, मुझे बताया ये मोनो होता है, ये स्टील, क्योंकि वो जमाना था टेप का, यूज टू रिकॉर्ड ऑन हाई-एट्स टेप मशीन्स. उसके बाद प्रो टूल्स आया, उसके बाद देन आई मूव्ड ऑन टू हैदराबाद, सम अदर प्लेसेस. तो ये मुझे कभी मौका नहीं मिला किसी इंजीनियर के साथ बैठ के, या किसी यू नो ऑडियो रिकॉर्डिंग में बैठ के उसको एक्सपीरियंस करने का, जानने का कि सामने वाला बंदा क्या करता है,
क्या वो सीक्रेट सॉस है क्या, एवरीबडी थिंक्स कि कुछ तो एक सीक्रेट सॉस डाल दिया ऊपर, एवरीथिंग जस्ट बिकम्स गुड, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड अ बिट कि यार 10 साल हो गए, मैं एक एक मौका मुझे मिलता कि मैं किसी के साथ बैठ के देख सकता था. 15 साल हो गया, 12 साल हो गए मेरी लाइफ में, मुझे अभी तक मैं यू नो स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कैसे मेरे मिक्सेस क्रैक करूँ, कैसे कैसे इसको यू नो उस स्टैंडर्ड पे लेके आऊँ जो जो मैं सुनता हूँ. करेक्ट. ओके गाने, इट्स बिन सो मेनी ईयर्स, बट देन अगेन इट्स द सेम थिंग, बैक पीछे से एक साउंड आता था कि जस्ट हैव पेशेंस एंड जस्ट कीप डूइंग. One day you or yourself will only evolve and learn things. Absolutely. It's just मुझे all of a sudden याद आ गई वो बात अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बोली थी. तो आपने वो चीज़ बोली थी ना, you were talking to your assistant, you were explaining him कि you know search within, ढूंढना वो चीज़ बहुत ज़रूरी है before you go out. तो मुझे एकदम याद आ गया बिकॉज कहीं ना कहीं यू नो आई रीड अबाउट बुद्धा अलॉट, सिद्धार्थ के बारे में आई वॉज रीडिंग समथिंग. तो मैं उनकी टीचिंग्स बहुत फॉलो करता हूँ. तो आई सडनली रिमेंबर उनकी एक स्टोरी थी जब उनके आई थिंक कुछ डैड वगैरह को ये बोला गया था कि जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं उन्होंने बोला था कि इसको थोड़ा एस्केप मत करने देना बिकॉज अदरवाइज ये सब छोड़ छाड़ के ही यू नो गो और समाज सेवा बेसिकली करेगा, ही इन्फ्लुएंस पीपल बट देन ही वोंट कम टूवर्ड्स दिस रूलर साइड, राजा वाली साइड. तो वो उसको बंद करके रखते थे कैसे, एंड कैसे वो सिर्फ बैठता था एंड यू नो ही जस्ट यूज टू थिंक ना उनकी. हाँ उसमें इतना कुछ लिखा है बुक में दैट ही जस्ट यूज टू स्पेंड टाइम नदी किनारे बैठे हैं, कभी पेड़ के नीचे बैठे हैं, एंड वहाँ पे इतनी सारी नॉलेज ऑटोमेटिकली यू नो सन से डिस्टेंस ये सब चीज़ें फॉर्मूलाज इतनी चीज़ें आ गई दैट व्हेन उनके डैड ने उनको स्कूल एक्चुअली भेजा, उस वक्त स्कूल नहीं वो गुरु होते थे तो उनके पास भेजा, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए उनके सामने कि अरे तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा पता है, कहाँ से सीखा है तुमने अंदर. जो भी आप सीखते हो और जो भी आप जानते हो, अगर आपने खुद से सीखा या आपने खुद से उसको करने की कोशिश की, यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर इट. आपको हमेशा एक मन में यू नो यू ऑलवेज बिकॉज यू आर ऑलवेज अ टेकर, मतलब आप अपने लाइफ में हमेशा लेते हो, चाहे आप नेचर से ले रहे हो, यूनिवर्स से ले रहे हो, गॉड से, व्हाट एवर यू कॉल, व्हाट एवर वी फॉलो और वी नेम इट एज, बट वी आर ऑलवेज टेकिंग. सो वी शुड बी ऑलवेज रेस्पेक्टफुल फॉर व्हाट वी आर गेटिंग, एंड आई थिंक इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ क्लीन इंटेंशन एंड हार्ट, देन आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू जस्ट फॉल इन प्लेस एंड यूनिवर्स इज जस्ट गोइंग टू अलाइन एवरीथिंग फॉर यू. वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्स ही अलाइन कर देगा आपके लिए एंड मेक यू वेरी क्लियर पाथ. इसी स्टोरी से रिलेटेड जो मिराज रहीन है जिससे मैंने काम सीखा, तो एक्चुअली मेरा नाम शादाब रहीन नहीं है, बिकॉज मैंने ये 3.5 महीने गुजारे उनके साथ, उनसे ये बेसिक सीखा. तो मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि इस मुझे मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ करना नहीं है. हाँ. चाहे मुझे 50 साल लगे, मैं यही करूंगा, यही हाँ सीखूंगा, मैं कुछ ना कुछ इसी में करूंगा. तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरा लाइफ इसमें डालने का है, तो आई स्टार्टेड विद टेकिंग हिज नेम, सो आई टुक हिज सरनेम. क्या बात कर रहे हैं, ये चीज तो बिल्कुल नहीं पता थी ये चीज. सो वी हैव टू रियली थैंक. अभी me taking his surname is I want to thank him entire life wherever I am, wherever he is, because you know life aise hi ki hum move hote hain, hum jagah change karte hain, hum kahin jaate hain, hamari zindagi alag alag ho jati hai, bhai ki life alag ho jati hai, you know they are born together, correct, saath mein matlab ek ghar mein paida hote hain, bade hote hain, but they all move on, koi US mein chala raha hai, India mein reh raha hai, to people live their life separate, but then you correct. Know that connection, that connection and that trust and that you know respect we should not leave. If that is there, then I think God and energy is always going to help you for everything. That's really beautiful. Next time, मतलब जब भी आपका नाम सामने आएगा तो ये story सामने आ जाएगी. So अच्छा, anyway, what's your real name फिर? Actually, it's been so long. My real name is Shadab. I think it's Shadab. My dad. You think? I think he puts Uddin. अच्छा इन हिज सरनेम, आई थिंक इट मस्ट बी उद्दीन और समथिंग. अच्छा नाउ अभी क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, 17-18 साल का था, तो यू नो आई वाज वेरी यंग एंड उस टाइम मैंने डिसाइड किया, तो अब तो मैं जी चुका हूँ उस नाम से, तो अब शादाब रहीन इज मी ओनली एंड दैट्स हाउ एवरीबॉडी नोज एंड आई थिंक दैट नेम आल्सो हेल्प मी अ लॉट. आई थिंक दैट्स बिकॉज आई रियली रेस्पेक्ट हिम सो मच एंड बिलीफ और फेथ बहुत जरूरी है. वो बिलीफ था, वो फेथ था कि यू नो
I still believe that he made my life, and today whatever I'm eating and I'm staying, a life which I dreamt of, what I'm living, is all because of the people who came in my life, who are there. Even the people with whom I'm in competition with, because I believe that अभी अगर कोई दूसरा बंदा mix कर रहा है और बहुत अच्छा mix कर रहा है तो मुझे बहुत energy आता है कि अरे I should also try something. और क्या, हाँ. तो वो बंदा भी मेरे ज़िंदगी में help कर रहा है मेरे लिए, because वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक goal रख रहा है कि now Shadab, you have to figure this out and you have to do it by yourself. It's not about doing better. But it's about doing something somebody has achieved, and then you hear it, and then you try to get something from it, or you get inspiration. Correct. And so अभी अगर मेरा कोई competition है या किसी का कोई competition है, तो मैं उन सबको thank बोलता हूँ, और उनके वजह से मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ. Because Absolutely. They are giving me everything. Correct. On everyday basis. They are inspiring me to get up in the morning and have that energy entire day. Till the time I'm crashing next moment on the bed, next time, next day, or maybe after 2 days. So everyone is helping me. I'm not me as an individual. I'm made up of everyone. Even you, I've seen your videos. So thank you. You are my part now. You're like, you are inside me now. So whatever, yeah. जो चीज देखता हूँ, जिन चीजों को देख के अगर उनसे कुछ सीखता हूँ, अगर एक चीज भी सीखा मैंने, एक बात भी सीखी, ये जरूरी नहीं है कि आप काम के बारे में, EQ के बारे में, कंप्रेशन के बारे में सीखो. That's why I asked you, I told you कि I believe your chakras are. हम लोग उस दिन बात कर. नहीं नहीं, हाँ, I remember and correct. मतलब this is true. मैं students को भी यही बोलता हूँ that you don't need to do a course to find a mentor. Mentor हर वो इंसान है who's adding value to your life, जिससे तुम कुछ सीख पा रहे हो. आप भी मेरे लिए मेंटोर हो, बिकॉज मेरे को पता है आपको क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, परेशान करता हूँ कभी भी, तो आपका रिप्लाई आ जाता है, एंड यू नो दैट इज सम व्हाट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में दैट इज हेल्पिंग मी ग्रो. सो वी ऑल आर कनेक्टेड ना, सी हाउ वी आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, डिफरेंट पर्सनालिटीज, बट हम दोनों कनेक्टेड. यू स्टे इन दिल्ली, आई एम हियर, वी नेवर मेट, हमको कुछ पता नहीं है. YouTube पे मैंने देखा, यू सॉ ऑन इंस्टा समवेयर ऑनलाइन, राइट राइट, वी गॉट कनेक्टेड. इट्स जस्ट बिकॉज दैट आर्ट हैज सो मच पावर. And it'll just find out your similar mind wale logon ko jod deta hai. So it's something which is beyond our power and beyond our limit. What we have to understand. If we give, hum agar apne aap ko give de dete hai na us power ke samne mein, I think life will be good and we'll learn everything. We'll get everything what we want. Correct. Nahin, really grateful, and I'm amazed by the fact kaise aap matlab हर सिचुएशन में पॉजिटिव निकाल देते हो, स्पेशली दैट कंपटीशन वाला चीज़ दैट लोग यूजुअली देखते हैं, अरे ये कैसे आगे निकला, ये कैसे वो हुआ, एंड दैट इज समथिंग जो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है सोचने का कि उसको भी पॉजिटिव वे में कैसे देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली हेल्पिंग मी पुश माई लिमिट्स. थैंक यू सो मच मेरे को बताने के लिए. एंड ऑनेस्टली बताऊँ आपको एक बात, कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में इसीलिए आई हैं, मेरे को लगता है कि वो जो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली मैंने चीज़ें सीखी या ग्रो कर पा रहा हूँ, दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म. मेरे को स्टार्टिंग के एक दो साल बहुत क्रिटिसिज्म मिले, बहुत, और मेरे को इतना मजा आता था, मैं तो कहता था मुझे और क्रिटिसाइज करो, मैं उसको ठीक करके दिखाऊंगा. क्योंकि जब तक क्रिटिसिज्म नहीं है, तब तक वो तुम एक फॉल्स वर्ल्ड में जी रहे हो, जहाँ पे यू आर परफेक्ट, दैट कैन नेवर बी अकम्प्लिश्ड. कम्फर्ट जोन कह सकते हो, और नहीं तो क्या. कम्फर्ट जोन इज द ओनली जोन व्हिच विल नॉट मेक यू डू एनीथिंग इन योर लाइफ. हां, एब्सोल्युटली. नहीं, अच्छा है, दैट्स रियली नाइस. एंड अभी सनी जी की बात हो ही रही थी तो मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि सिंस ही इज़ योर ब्रदर, साथ में ही रहे थे, तो कुछ तो चाइल्डहुड मेमोरीज, कुछ तो फनी मोमेंट्स ऐसे होंगे जो याद होंगे कि नहीं बचपन में ये करता था या मैं ऐसा करता था, तो कुछ दैट यू वुड लाइक टू शेयर कुछ. सनी, एक्चुअली हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया बचपन में. आई हैव गॉट वेरी स्वीट एंड गुड मेमोरी सनी, एंड नाउ आल्सो इज स्टिल माय छोटा छोटा बेबी, छोटा मैं तो उसको जिंदगी भर मेरे छोटे बेबी जैसा ही देखूंगा, क्योंकि इज लाइक 5 साल मुझसे छोटा है. तो जब वो पैदा हुआ तो मेरे गोद में आया, अच्छा, थोड़ी बहुत समझ आ चुकी थी, तो तब से मेरे लिए वो उतना बड़ा ही है. नहीं, आई मीन इवन रेड ऑन विकिपीडिया, आई थिंक उनके पेज पे है ये चीज कि आई थिंक जब वो 15 साल के थे, आप थे, ऐसा कुछ था, जब वो थे, ही स्टार्टेड असिस्टिंग यू, आपके थ्रू वो आए थे. He started, assisting you, so that's really nice. So he finished his 10th, I believe, and then he came for holiday to Hyderabad.
अच्छा और जब वो आया, मॉम डैड आए, सब लोग शिफ्ट हुए, आई थिंक शिफ्ट का चल रहा था या कुछ ऐसा. मैं बहुत मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम है, मैं भूल जाता हूँ. आई थिंक वन वे इट्स गुड ओनली, हाँ सही यू बात है, डोंट माइंड खाली रिमेम्बर रहता है एनीथिंग, योर माइंड इज क्लीन है, एब्सोल्युटली. यू नो, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. बट देन आई वेगली आई रिमेंबर दैट ही केम एंड देन आई यूज्ड टू कम टू स्टूडियो एवरी डे. हर रोज वो स्टूडियो आता था और वो पीछे बैठ के देखते देखते ही वो कब सीख गया मुझे पता नहीं, मालूम नहीं अच्छा पड़ा. एक दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं नहीं गया स्टूडियो, तो मुझे मालूम पड़ा उसने 80 पीस ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड किया अकेले. लाइक 15 साल अच्छा का लड़का और अभी ओ भाई तेरी. अभी आया है, अभी तो 1.5 महीने हुआ सनी को आके. ऐसा हाँ आई गॉट स्केर्ड क्योंकि हाँ मशीन टेप उलझ जाएगा, हाइट पे रिकॉर्ड कर रहे हाँ हैं, करे 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 एंगल करे. मतलब गड़बड़ हो जाएगा, टाइम कोड सिंक नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट एज, इट्स एक्चुअली यू नो वॉट, ट्रस्ट मी, टूडेज डेट टेक्नोलॉजी इज वेरी सिंपल, इट्स करेक्ट. वेरी, इट्स केक वॉक. एनी बडी कैन जस्ट बाई मशीन. हाँ इफ दे वर्क हार्ड, इफ दे कॉन्सेंट्रेट, दे कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स. बैक दोज डेज इट वॉज अ थिंग एक्चुअली, क्योंकि अगर आपको एक वीडियो और ऑडियो चलाना है तो बीच में चार पांच मशीनें लगती थी, एक टाइम कोड जनरेट करने का एक अलग मशीन लगता था, एक बीटा होता था, अच्छा तो इज लॉट ऑफ थिंग एंड देन रिकॉर्डिंग. सो बट देन या सनी क्रैक्ड एवरीथिंग, वाह. दैट गिव मी कॉन्फिडेंस. एंड देन आई स्टार्टेड यू नो आई मेट माई वाइफ एट अराउंड दैट टाइम ओनली एंड वी स्टार्टेड डेटिंग अच्छा एक्चुअली, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया. तो मैं सनी के ऊपर छोड़ देता था तो मैं डेट पे चला जाता. वाह बहुत बढ़िया. तो वो कंप्लेन तो करते होंगे, है ना, पहले तो बहुत डेट्स होती थी, अब तो एकदम शादी के बाद. नहीं, अभी डेट होती है ना, अभी भी डेट एट स्टूडियो. अच्छा या अरे अमेजिंग. मैंने मैंने क्या किया है, मैंने अभी जो मैंने ये मैं स्टूडियो नहीं बोलूंगा, ये मेरा लिविंग हाँ प्लेस ही है क्योंकि मैं करेक्ट. रहता हूँ इधर, तो ये स्टूडियो स्टूडियो नहीं है. तो मैंने यहाँ पर सब बाहर यू नो आई मेड काइंड ऑफ अ थिएटर काइंड ऑफ थिंग, वाओ. वेयर वी मैं ब्रेक लेता हूँ, वी सिट एंड वॉच फिल्म एंड वी चिट चैट, एंड तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द हाउस. सो अमेजिंग. वी बोथ आर ऑल द टाइम टुगेदर. सो शी इन्वॉल्व्स हरसेल्फ, वो इन्वॉल्व कर लेती है अपने आप को इसमें, एंड शी स्पेंड टाइम. और उसके भी जितने दोस्त हो गए वो सब मेरे दोस्त हो गए. अभी अगर अमित त्रिवेदी है तो उससे फ्रेंड है, प्रीतम फ्रेंड है, तो शी मेड उन सबको दोस्त बना लिया जो मेरे दोस्त हैं, अच्छा. तो शी डजन फील अलोन ऑनली. क्योंकि सही बात है. हाँ सब लोग करे. आते हैं, जब घर पे आते हैं हम लोग बैठ के हाँ कुछ करते हैं, तो मैं अगर कुछ मिक्स कर रहा हूँ तो वो अपना, वो लोग बात चैट चैट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उधर वेरी कुछ नाइस. डोसा बन हाँ रहा है, कुछ बिल्कुल. हो रहा है, यू नो माहौल बना हुआ है, नहीं एंड नहीं ऑल दैट इज करेक्ट. हैपनिंग. सो इट्स अ गुड फन, इट्स अ नाइस फन. एंड सनी आल्सो लर्न दैट वे, ही जॉइंड सम फर्दर ही टेल यू ही इज गॉन थ्रू हिज ओन जर्नी, एंड आई एम हैप्पी हाँ. दैट व्हाट एवर ही इज डूइंग टुडे इज He's kind of, you know, cracked things for himself and he's doing it well. That's really टॉर्चर तो मैंने nice. बहुत किया सनी को, मैं बहुत लेजी हूँ, थोड़ा सा हाँ नवाबी हूँ बचपन से यार. हाँ नवाब घर में तो पैदा नहीं हुए बट नवाबी हूँ. तो मैं स्कूल के लिए उठता नहीं था, और वो मेरा होमवर्क और वो मेरे बैग्स में बुक्स अच्छा डालना, मेरे जूते पॉलिश करके रखना. ओ अच्छा एंटर पे तेरी. सनी क्या मेरा जूता पॉलिश नहीं किया तुमने? हाँ भैया कर देता हूँ मैं. तो बस सब कुछ वाह. करता था, स्कूल जाने के 10 मिनट पहले मैं उठता था, फटाफट ब्रश करता था, नहाता था और नाश्ता करके स्कूल. क्या तो बात है. अभी आई स्टिल, मैं अभी भी सनी को ऐसे ही फंसाता हूँ. मैं कुछ मिक्सेस करता हूँ जब अभी जैसे प्रीतम के मिक्सेस चलते हैं, तो सनी इज द प्रोड्यूसर ओवर देयर, म्यूजिक प्रोड्यूसर इज द, सो ही कम्स, हम लोग टाइम बिताते हैं साथ में. तो अभी कुछ करना है, स्लैब करना है, प्रोसेस करना है, तो मैं थोड़ा सनी को अभी फंसा देता हूँ, मतलब सनी तुम कर दो ना मैं जा अच्छा. रहा हूँ. तो बेचारा वो प्रोड्यूस भी करता है, उधर सब फिनिश भी करता है और मेरे पास आता है और मेरा काम भी करता है. अच्छा नहीं देखा मैंने, मिक्स भी करते हैं वो तो. आप भी लगा देते हाँ होगे कि सनी, हाँ अब थोड़ा सा. Sunny does very good mixes. वेरी He's a नाइस. brilliant guy. Not because he's my brother, but actually he's a नहीं brilliant नहीं ऑनेस्टली दैट इज guy. व्हाट आई यू नो लाइक अबाउट यू. यू रिस्पेक्ट आर्ट, यू रिस्पेक्ट एनर्जी, वाइब्स, मोर देन यू नो एक नाम हो गया या रिलेशन हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली वही चीज़ है जो काम आती है लॉन्ग रन में. सो गुड टू हेयर अबाउट दैट. तो अब ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना एक क्विक सॉर्ट ऑफ फन टास्क है. तो बेसिकली इसमें ये होगा, द नेम इज टॉप टू. तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, जैसे फसाना फॉर नहीं एग्जाम्पल है. स्पोर्ट्स, मतलब वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है. सो फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हाँ
फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, मैं बोलूंगा स्पोर्ट्स एंड यू हैव टू नेम योर टॉप टू स्पोर्ट्स जो भी आपको पसंद है, ठीक है? तो ऐसी आई हैव लाइक सिक्स थिंग्स यहाँ पे, तो मैं क्विकली आपको एक एक चीज बोलूंगा, यू हैव टू नेम कि आपकी फेवरेट क्या है उसमें से, टॉप टू चीजें। लेट्स सी इफ आई पास और फेल। पास फेल नहीं है, इट्स मोर लाइक यू नो वी विल गेट टू नो मोर अबाउट यू इसके थ्रू। ऑलराइट, सो टॉप टू प्लेसेस। टॉप टू प्लेसेस यूरोप एंड मेलबर्न। अमेजिंग, पता था हम घूमते रहते हो ना आप, इसीलिए मैंने ये ऐड किया कि हाँ कहाँ पे पसंद आएंगी चीजें। सो एकदम यूरोप मेलबर्न, क्या बात है। मूवीज और वेब सीरीज। मूवीज। ओके, मूवीज एंड मूवीज में भी टॉप टू अगर। एक्चुअली ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज मैं मेरा एक स्पेस चलता है, मूड स्पेस चलता है, तो अभी अगर 15 दिन में एक सर्टेन मूड में हो तो एक सर्टेन फिल्म ही देखूंगा, डार्क एंड ऑल दैट, बट देन सडनली आई विल बी लाइक आई डोंट पुट डार्क मूवीज ऑन, आई एम हैप्पी। सो सडनली वॉर फिल्म का स्पेस आया, तो दो महीने से वॉर वाली फिल्में देख रहा हूँ। क्या बात है, ओ तेरी। स्टिल मतलब कुछ ऐसा एवरग्रीन टाइप हो, जैसे है ना कुछ मूवीज रंग दे बसंती या थ्री इडियट्स टाइप जो एक रहती हैं कि यू नो। अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट, ये नहीं बता अच्छा। जाता बढ़िया मूवीज में इट कीप्स शफलिंग, मतलब अभी shuffling. मैंने ये देखा तो ये फेवरेट हो गया मेरा, फिर अगले दिन देखा तो वो फेवरेट हो। सो टॉप टू सॉन्ग्स, हो सकता है आपने मिक्स ना किए हो बट एक पर्सनल फेवरेट होते हैं ना हम सबके गाने। वन सॉन्ग तो आई नो विच इज टॉप फेवरेट ऑफ माइन, इट्स संग बाय किशोर जी, किशोर दा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम फिर नहीं आते, दैट्स वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग एंड आई थिंक दैट सॉन्ग हैज चेंज्ड मी अ लॉट एंड एज अ पर्सन, आई थिंक आई वुड कीप दैट सॉन्ग एज फेवरेट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स, म्यूजिक, एवरीथिंग, इट्स इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ मीनिंग वही वही सबसे मेन चीज है कन्वे करना। एंड एनी अदर सॉन्ग सेकंड? सेकंड यार आई डोंट रिमेंबर, बहुत है मैं क्या अच्छा। रिसेंटली आजकल कौन सा गाना सुन रहे हो कि कोई पसंद आ गया कि मिक्स वाइज या एनीथिंग वाइज? मैं आई एम ट्रिपिंग एक्चुअली फ्रॉम पास्ट वन ईयर, आई एम ट्रिपिंग ऑन वन आर्टिस्ट, इट्स वन ईयर आई एम नॉट एबल टू यू नो स्टिल कम आउट ऑफ हिज जोन, इज जेम्स ब्लेक। ओह क्या बात है। तो मतलब अभी वो आर्टिस्ट ऐसा घुस चुका है मेरे दिमाग में और मेरे डीएनए के अंदर में, आई एम लाइक सोते जागते रिपीट ऑन रिपीट एवरी टाइम, एब्सोल्युटली learning something new, experiencing something new. मैं further अगर कुछ आएगा तो I'll relate कि why do I listen to his stuff, why he attracts me so much. But yeah, James Blake is an artist. क्या बात है, very nice. Okay, so top two influences. Top two influencers. Influences, maybe you know somebody that you are learning from, या maybe कह सकते हो can be a source also, can be a person. Yes. DJ Phukan. DJ Phukan, very nice. And he's one of my most favorite learning source. क्या बात है। बहुत time बिताता हूँ मैं उनके साथ और बातें करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, but he's one favorite. And second is my brother only, Sunny. अरे amazing, too good. Okay, top two food items, कुछ भी खाने में। हाँ, top two, दाल चावल and plain पालक की सब्जी, आलू की सब्जी। क्या बात है। अच्छा हाँ, जंक फूड तो बंद है सारा है ना तो। ओके, टॉप टू पीस ऑफ हार्डवेयर आपके स्टूडियो में जो आपको लगता है मतलब दे आर लाइक योर लाइफ लाइन कि मेरे को बहुत पसंद है ये चीज या मैं इनको कैरी करना चाहूंगा जहां पे भी मैं जाऊंगा। मेरा कंप्यूटर और मॉनिटर। कंप्यूटर और मॉनिटर। क्या बात है, वेरी वेल। मॉनिटर मतलब जो स्पीकर जिसमें। हाँ, फेयर इनफ। नहीं, हमारे देखेंगे ऑडियो वाले ना वो समझ जाएंगे। दे वोंट बी लाइक यार स्क्रीन लेके जाएगा दो बार। ऑलराइट, सो देखो ये वही क्वेश्चन है दैट वी वर टॉकिंग अ व्हाइल बैक, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है दैट यू नो यू हैव मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑलमोस्ट एक जनरेशन गैप हो गया बेसिकली आप बॉलीवुड में तब से वही टू डेकेड्स एंड यू नो आप उस एरा से हो जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो टाइम सिंक, आप टेप्स की बात कर रहे थे, देन केम सीडीज, कितनी सारी चेंजेस आए एंड फाइनली वी आर यू नो catering to streaming services aur ab fir seedha atmos wagera aa raha hai. So how has that transition been apart from you know technical advancements as a sort of third person, kyunki third person bhi kya aapne experience kiya hai wo stage, so what would you like to say ki kaise you know throughout cheeze change hui hai, how have the things you know grown or see actually ek bahut funny cheez batata hu main. Technology jab nahi aati hai na to usse sabse
ज्यादा क्रिएट क्या होता है, यू नो, कंफ्यूजन. जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है Absolutely. तो हमारे वो एक्सपीरियंस करने और सीखने और जो भी व्हाट एवर वी आर डूइंग और वर्किंग, उससे ज्यादा सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है वो है कन्फ्यूजन. और आई एम वेरी लकी कि ये सारा टेक्नोलॉजी जब मैं आया तो वो टू इंच टेप, एडैट, हाइएट्स, FSK, उस टाइम MIDI भी नहीं था. MIDI पे रिकॉर्ड नहीं होता था, FSK पे रिकॉर्ड करते थे. मतलब हमको अगर गाना पंच करना पड़ता था, किक चल रहा है 5 मिनट के लिए, स्नेयर का बाउंस चल रहा है 5 मिनट के लिए, अगर एंड के बार में कुछ ग्लिच आ गया स्नेयर पे, तो फिर शुरू से स्नेयर को पंच करना पड़ता था 5 मिनट. अच्छा. FSK वुड नॉट सिंक फ्रॉम इन बिटवीन, स्टार्ट पॉइंट से प्ले करना पड़ता था. FSK को टाइम लगता था सिंक होने में. देन वी केम टू स्मार्ट FSK, जहां पर हम एंड में पंचेस करने लगे, देन MIDI, देन सो मेनी थिंग्स kept coming. So with all this, more challenges, more confusion started, and these kind of challenges and confusion led me to dig in more inside, you know, aur andar uske andar ghusun, usko crack. Lot of positives bhi ho gaye sab. Maine to sab kuch matlab jitne problems sabko positive liya. Fir aaya ek era hamara jahan pe hum, you know, we were just crossing everything, digital and hardware. We were just correct like, the two groups talking about ki ye purana ho gaya aur ye naya aa raha hai, aur you know all that fight absolutely argument scenario argument movement ki, you know, this is now to we talk it, you know, tape was very good. Now we talk it like a history. At that point of time I saw all these things. To maine jab ye experience kiya, jab main ye jiya, तो इन सब चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया. एंड देन दैट बिकॉज आई गॉट यूज टू डिग इन सो मच बिकॉज ऑफ दिस होल एनालॉग बिग वास्ट सरफेस वास्ट ओशन ऑफ गोइंग इनटू केबल्स एंड डिगिंग फ्रॉम प्लस माइनस पॉजिटिव फ्रॉम सोल्डर टिल एवरीथिंग, वो मेरी टेंडेंसी बन गई. तो जब डिजिटल आया और जब प्लगइन्स का जमाना आया, जब प्लगइन्स आए और जब ये सब कुछ इवॉल्व हुआ, यू नो, डॉस बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर फास्टर, स्मूदर, कंप्यूटर्स बिकेम मोर स्मूदर, सो आई डिडंट स्टॉप मायसेल्फ फॉर डिगिंग. आई केप्ट डिगिंग. देन आई स्टार्टेड लर्निंग द कैरेक्टर्स ऑफ प्लगइन. अच्छा, ये वेव्स बनाती है, तो वेव्स कंपनी के प्लगइन्स का एक सर्टन कैरेक्टर होता है जो यूएडी का नहीं होता है. यूएडी का एक सर्टन साउंड होता है जो यू नो प्लगइन अलायंस का नहीं होता है. करेक्ट. Everyone is good, but they all have different characters, like how Cubase sounds different, Logic sounds different, Pro Tools sounds, they all have different character, different algorithm. So ye these diggings abhi bhi main wahi karta hu. Main plugin to sare khareedta hu, use karu na karu, but paise to main bahut barbaad karta hu. I remember you were talking, अभी जो आप कैमरा भी यूज कर रहे हो A7S, you're like, मेरे को पता ही नहीं था मेरे पास है. हाँ, अभी after 6 months आया कि अरे आप भी यूज कर लेते ये कैमरा. मैं कहा मैंने बजट बचाने के लिए उससे एक मॉडल कम लिया था. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एज अ डेमो किसी चीज को यूज नहीं करता हूँ. ये मेरा एक सीक्रेट है. क्योंकि अगर मैं एज अ डेमो डाउनलोड करूंगा 10-15 दिन के लिए, तो वो मुझे उस चीज से लगाव नहीं होगा. जब तक मुझे मेरे पॉकेट पे एक सर्टन लॉस नहीं आएगा, एक डेंट नहीं आएगा कि यू नो आई बॉट दिस रिवर्ब फॉर 80,000 rupees. नाउ दैट 80,000, व्हेन आई एम पुटिंग मनी 80-70,000 ऑन अ रिवर्ब फॉर प्लगइन, इट्स अ लॉट ऑफ मनी. क्या इट इज अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली. इट्स नॉट लाइक $50 प्लगइन और समथिंग होम स्टूडियो सेटअप. मुझे उसको स्टडी करना पड़ेगा. मुझे इस लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, इस हद तक उसको जानना पड़ेगा कि मुझे उसके एल्गोरिदमिक साउंड को अपने अंदर बसा लेना पड़ेगा. करेक्ट. सो दैट लेड मी इनटू अ सिचुएशन वेयर नाउ व्हेन आई सेट एंड मिक्स, आई एग्जैक्टली नो दैट फॉर दिस सोर्स दिस सर्टेन प्लगइन विल वर्क. सो आई जस्ट गो देयर, ओपन दैट सर्टेन प्लगइन, पुट दैट थिंग ऑन द वोकल और इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम डन. आई डोंट गो इनटू ये डाला, ट्राई किया, अरे नहीं फिर वो डाला. तो दिस होल डिगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू कैन टेक लॉसेस and you know you can thoda chot leke agar hum usko seekhenge to I think hum thoda aur gehra seekhte hain. Jitni zyada gehri chot utna zyada gehra lesson. Nahi baat hai, nahi mereko bahut acha laga sunke. I mean, you know, it feels so good. Aapne experience se ye sab cheeze matlab seekhi hain jo bhi aap share kar rahe ho. Exactly same चीज मैं क्लास में जैसे डिस्कस करता हूँ, कभी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, दे आस्क कि यू नो व्हाई शुड वी बाय प्लगइन्स, या यू नो शुड वी रियली बाय प्लगइन्स, क्यों बाय करना चाहिए. तो मैं उन्हें एक ही चीज समझाता हूँ, तुम दुनिया भर के प्लगइन्स डाल लो, लेकिन जब तुम खुद खरीदोगे ना किसी प्लगइन को, तुम उसको इस तरह से मास्टर कर लोगे दैट फॉर एग्जांपल से अ कंप्रेसर,
अभी हम बड़ा मतलब ट्राई करते हैं ड्रम पे, ये कंप्रेसर डाला नहीं चला, ये डाला वो डाला, आप अगर एक बाय करोगे इतना अच्छे से उसको जान जाओगे दैट उसको आप चाहे वोकल पे डालो चाहे ड्रम्स पे डालो, यू विल मेक इट वर्क. तो वो चीज़ मतलब बहुत बहुत अच्छी है, मैंने अपनी लाइफ में खुद रियलाइज़ की है. एंड लास्ट 2-3 साल हुए हैं आई ऑल्सो यू नो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गुड प्लगइन्स इवन मेलोडाइन वगैरह. तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस थिंग कि खुद से मतलब रिसर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक एक चीज़, क्योंकि वो फील होता है ना कि हाँ पॉकेट पे वो चीज़ आई. एंड दूसरी चीज़ वही फील होती है दैट यू नो यू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ यू नो नॉट जस्ट योर मनी, तो अपना एनर्जी अपना सारा यू नो जस्ट गिव इट ऑल टू दैट प्लगइन एंड सी क्या करता है. तो वेंट टू इस हद की आई हैव लाइक ऑलमोस्ट अ रूम फुल ऑफ गियर्स व्हिच सम टाइम आई डोंट इवन टर्न इट ऑन, मोस्टली इन द बॉक्स ही मिक्स कर देता हूं. हां भाई, बट मैंने सिर्फ इसलिए लिया, इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे जानना, और ये नहीं कि यू नो मेरे पास पैसे थे तो अभी अगर ऐसा कोई सोचता है कि यू नो पैसे हो होंगे टेंशन नहीं है तो खरीद लिया, बट ये सारे गियर्स मैंने उस टाइम खरीदे जब मैं दोस्तों से उधार लेता था और क्रेडिट कार्ड्स पे यू नो काट के अच्छा पैसे जमा करने. ईच एंड एवरी गियर व्हिच आई बॉट इज ऑलवेज ऑन अ वेरी टफ सिचुएशन ऑफ माय लाइफ. इट डिपेंड्स कि वो कितना महंगा है या कितना यू नो कितना वास्ट उसका ये है, बट देन आई बिलीव दैट कि अगर मैं अभी इस सर्टेन कंडीशन में हूँ, अगर मैं इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ एंड इफ आई फोर्स माई सेल्फ एंड समहाउ हाथ पैर मार के अगर मैं ये गियर ले लेता हूँ तो दैट विल क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड दैट सर्टेन गियर. So, मेरा अगर एक बार उससे कनेक्टिविटी क्रिएट हो गया तो आई विल अंडरस्टैंड हाउ दिस सर्टेन गियर साउंड्स लाइक. अब अगर मैं कुछ ऑडियो का ईक्यू ले रहा हूँ या फिर मैं अगर प्रिज्म का ईक्यू ले रहा हूँ या मैनली का कंप्रेसर ले रहा हूँ तो इफ आई एम बाइंग इट ऑन अ वेरी टफ सिचुएशन इट क्रिएट्स अ सर्टेन कनेक्टिविटी. प्यार एक कनेक्ट होता है कि यार मैंने बहुत मेहनत से करके ये सर्टेन चीज खरीदी. वो प्यार क्या करता है, वो आपको उसके बहुत नजदीक लेके आता है और आपको बहुत कुछ सिखाता है वो. Absolutely. You go through the process of doing experiment, you keep experimenting through it. Then eventually you get to know what's going behind that plugin. वो बहुत important है. What's going behind? What's the whole thing what they make? Even hardware. So in that way you unknowingly you learn the character of hardwares. बिल्कुल. You understand the character. You know this hardware sounds like this. This hardware. So आप जब ये करते रहोगे ना, आपको मालूम नहीं पड़ेगा अगले next 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद सारे hardwares के sound आपके mind के अंदर होगा, अंदर वो print हो जाएगा. And then you'll be able to just open one basic plugin. And you do some EQ and some compression and you'll be able to generate that certain. You don't have to really buy the emulation of that hardware. Like अगर manly है तो मुझे मैनली दिखने जैसा वाला प्लगइन ही खरीद के डालने की जरूरत नहीं उसका साउंड के लिए. आई कैन जस्ट पिक अप अ बेसिक ईक्यू फ्रॉम लॉजिक चैनल ईक्यू एंड आई कैन ट्वीक इट इन सच अ वे वेयर द हार्डवेयर रिजेंबल्स दैट सर्टेन कैरेक्टर. सो दिस इज ऑल वेरी ट्रिकी. आई डोंट नो हाउ फार पीपल विल अंडरस्टैंड दिस. नहीं नहीं अच्छा है. पता है अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो में शेयर किया था दैट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो सीनियर इंजीनियर्स हैं हु हैव यू नो कम फ्रॉम दैट एनालॉग एरा, उन लोगों का कान ज़्यादा तेज़ होता है. और उसका रीज़न एक ये है, आजकल के टाइम में क्या होता है, कोई दोस्त बोलता है ये कंप्रेसर यूज़ कर ले, इसका टेक्सचर ऐसा है, ये कर ले, ये वोकल्स के लिए अच्छा है, ये ड्रम्स के लिए अच्छा है, हमें यही नहीं पता चलता वो कंप्रेसर कर क्या रहा है. वेयर एज एनालॉग के टाइम पे ना आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ना आपको लेवल मीटर कुछ, आपको एक्स वाई जी कुछ नहीं दिख रहा, 4 नॉब दी हुई हैं, सिर्फ घुमा घुमा के यू हैव टू लिसन टू इट. एंड आई फील कि मतलब इससे अच्छा ईयर ट्रेनिंग कैसे हो सकता है. वो आपने बोला मैं एक एक चीज रीड करता हूँ वो मेमोरी में आ जाती है, वो चीज इज ईयर ट्रेनिंग ओनली, कहीं ना कहीं डेवलप कर रही है ईयर. दैट्स रियली नाइस, आई मीन रियली हेल्पफुल वो चीज. सो आई वॉज गोइंग थ्रू योर विकिपीडिया पेज एंड यू नो व्हेन आई वॉज स्क्रोलिंग डाउन तो आई वॉज लाइक यार ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, इतने सारे ट्रैक्स, इतनी सारी मूवीज, इतनी सारी चीजें. सो ऑल दो हमने यू नो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हाउ यू मैनेज टू यू नो बैलेंस योर पर्सनल लाइफ, हेल्थ, सब कुछ प्रोफेशनल लाइफ के साथ. But then, if I talk about this thing on a professional level, ki like how do you manage your team? How many members do you have? Kaise aap segregate karte ho? How do you find the right people to work with? And you know, because eventually, itna sara kaam ek akela insaan to nahi kar sakta. You definitely need a team. So, if you could, you know, shower some light on that. So, isme ek bahut clear point hai ki jitne bhi mixes hote hain.
मिक्स रिलेटेड चीजें और मास्टरिंग जो जो बेसिकली जो करना पड़ता है वो सारा काम तो मैं खुद ही करता हूँ. नो डाउट. हाँ आई हैव टू डू इट बिकॉज वो पाथ होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक वाइब वाली चीज होती है, एंड देन पीपल आर गिविंग सॉन्ग टू मिक्स, नॉट यू नो किसी और से करवा के वो फाइन ट्यून कर रहे हो आप. वो मुझे जमता नहीं, आई कांट डू इट, वो मेरे नेचर में नहीं है. समटाइम आई नीड लाइक मोर देन 4 to 5 पीपल एट वन टाइम, because that's so much of, once I'm done with the mix, there's so much of, though it takes less time to print stems and master when you're done with the mix. Correct. But वो इतना ज़्यादा होता है, मैं इतने ज़्यादा mixes करता हूँ कि वो इतना ज़्यादा. नहीं भाई, how many mixes आप एक दिन में कितने कर लेते हो? अरे on an average. देखो अभी मैं बता ही देता हूँ सबको, सब कुछ पता ही. तो ऐसा मेरा ऐसा कोई certain ये नहीं है. जितने लोग भी मेरे साथ काम करते हैं सबको पता है मेरा ये नहीं कि मैं गाना लेके एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन ऐसा बैठा. आई मे फिनिश द मिक्स इन 20 minutes ऑल्सो, 25 minute ऑल्सो, समटाइम 1 hour, समटाइम 2 hours, समटाइम 4 hours. सम सॉन्ग्स आई गेट स्टक फॉर 3-4 days, बट आई डोंट मिक्स इट फॉर 4-4 days. माई मिक्सिंग पीरियड टाइम विल बी नॉट मोर देन एन आवर फॉर अ सॉन्ग. Done, absolutely. I will work again on the song. Maybe I'll trash it. मैं वो mix करके वो trash कर दूँगा. फिर से करूँगा. 20 बार करूँगा mix. Right. Trash करता जाऊँगा जब तक मुझे satisfaction नहीं. अच्छा, you still do that? Yeah, yeah. Very Every nice. Every mix is मतलब... what I do and which I send to people. I go through it for more than 10 to 15 times. Oh, क्या बात है? Yeah, I never send मेरा जो A version जो मैं भेजता हूँ. वो एक्चुअली मेरा 20वां या 19वां वर्जन होता है या 15वां वर्जन. वेरी नाइस. इट्स लाइक 25-30 मिनट में एक मिक्स किया, खत्म. देन अगेन लिसन टू सॉन्ग, लिव विद इट, नहीं हो रहा है, देन अगेन बैक टू मिक्सेस. तो मेरा सेशन इफ यू ओपन, यू विल फाइंड ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा चलता रहेगा. व्हेन आई रीच्ड आफ्टर 10 टू 15 मिक्सेस की यू नो नाउ नाउ दिस फील्स की इसमें वाइब है. ड्रमर अगर सुनता है अपना ड्रम तो खुश होगा, सिंगर अगर अपना वॉइस सुनता है तो खुश होगा, करेक्ट. कंपोजर अगर अपना गाना सुनता है तो उसको लगेगा वाओ यार माय सॉन्ग हैज अ लाइफ. प्रोड्यूसर हु इज प्रोड्यूसिंग इट उसको लगेगा कि वाओ दिस इज द वे आई थॉट इन माय हेड, करेक्ट. बिकॉज़ दे ऑल आर माय फ्रेंड, आई रिलेट टू देम इमोशनली, तो वो मुझे मिक्स भेजने नहीं देता है सामने. क्योंकि मेरा एक इमोशनल रिलेशनशिप है. जिस बंदे ने गिटार बजाया वो मेरा दोस्त है, जिसने प्रोड्यूस किया वो मेरा दोस्त है, जो कंपोजर है वो मेरा फ्रेंड है, जो सिंगर गाना गाया वो मेरा दोस्त है, सभी दोस्त है. सब दोस्त है. तो अभी आई हैव टू थिंक फॉर माय फ्रेंड्स, यू नो आई जस्ट कांट ऐसा कुछ करके नहीं दे सकता हूं कि मैं ये सर्टन जॉब कर रहा हूं और मैंने ये ऐसा किया और दे दिया. वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है. तो मेरे भाई और मेरे दोस्त के लिए मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री चीज देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जाता हूँ बहुत लंबे प्रोसेस में. तो मैं what I learned with my experience कि मैं एक गाने पे ज़्यादा time नहीं बैठता हूँ, rather than that I divide it into chunks, 25 minute 30 minute, एक घंटा, नहीं हुआ close, correct, next again after 2-3 घंटे, otherwise next day. तो time मैं बहुत लेता हूँ mix के लिए. तो अब मेरे पास पहले आ जाते हैं 15 दिन पहले वो रहते हैं, मैं भेजता नहीं हूँ. I'm very popular for not sending songs. नहीं वो देखा आपके लाइव में, देखा मैंने कितनी बार विशाल ही बोलते हैं कि भेज दो नेक्स्ट वर्जन. मैं तो सब लोग मुझसे गाना मांगते रहते, अरे गाना भेज दो, कल रिलीज है, कल रिलीज है ना, अभी टाइम है अपने पास, रात तक 3 एक काफी सही, आई मीन 3 बजे तक रेडी हो जाएगा मिक्स. मैं भेजो क्योंकि मुझे पता है कि 2:55 पे शायद कुछ एक ऐसा हो जाए कि वो 5 मिनट के अंदर में सब चेंज हो जाएगा. तो मैं वेट करता रहता हूँ, क्योंकि जब वो प्रेशर आता है ना, तो यू नो यू परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर, नो डाउट. हाँ बिल्कुल, पता होता है ना कि अब बस इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा बैठने का. अब इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है भाई, आपका नाम नाम सब जुड़ा हुआ है. तो वो मतलब रिलीज, मतलब लोग बेचारे, आई एम दे सो नाइस यार, आई एम सो सॉरी गाइस. नहीं ये तो, दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट यू. ये तो ऑडियंस के लिए स्पेशल है, बिकॉज बहुत कंप्लेंट्स आती हैं ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह की, दैट यू नो वी टेक अ प्रोजेक्ट, डेडलाइन आ रही है, इस दिन उनको चाहिए प्रोजेक्ट, एंड यू नो मेरे से ये मिक्स नहीं हो रहा, एंड अब मन कर रहा है कि कुछ भी करके दे दो. कुछ भी दिया, उनको पसंद आ गया, क्या करें, खुद सेटिस्फाइड नहीं है. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प द ऑडियंस अलॉट. क्लाइंट्स बनाओ, लेकिन क्लाइंट से पहले यू नो ट्राई कि जितनी जल्दी उनको दोस्त बना सको, बिकॉज एज अ फ्रेंड दे विल अंडरस्टैंड यू, यू विल अंडरस्टैंड देम, और वो एक जो एंड प्रोडक्ट होगा ना,
दैट बहुत विल बी मजेदार लाइक अच्छा सेटिस्फैक्शन के साथ जाएगा. अभी जैसे विशाल के साथ लाइव में जैसे यू सॉ अदर डे हम लोग कितने कितना मजा करते हैं. मतलब वी हैव फन, वी डोंट वर्क, राइट, वी डोंट, वी जस्ट सिट फॉर 5-10 मिनट्स, दैट्स ऑल. मैं गाना मिक्स करूंगा, ही विल चिल, विल टॉक, विल यू नो टॉक अबाउट म्यूजिक. वी ऑल हमारे मेरे पास जितने मेरे दोस्त लोग आते हैं जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ, सब म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, सब गानों के बारे में बात करते हैं. ये गाना नया आया है, ये म्यूजिक ऐसा हो रहा है, ये प्रोग्रेशन ऐसा हुआ, यू नो एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट म्यूजिक. तो वो इतना अच्छा टाइम जाता है, 3-4 घंटा हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, रूम में जाके सिर्फ 5 मिनट बैठते हैं, दैट्स ऑल. एक रन सुना, अच्छा ठीक है इसमें कुछ करना है नहीं करना है, अच्छा ट्राई करते हैं नहीं करते, हो गया खत्म, एंड देन इट्स डन. बहुत बहुत सिंपल रखते हैं चीज़ें, दे आर वेरी लाइट, एंड वही वही चीज़ डिस्कशंस, यू नो ये सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती है. इवन आई रियलाइज दिस थिंग, आई वॉज एट द टी सीरी स्टूडियो अभी रिसेंटली, तो वहाँ पे गुरु रंधावा एक का आए थे कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करने. सो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, दैट यू नो व्हेन दे गॉट इनसाइड द रिकॉर्डिंग रूम, एक बार स्टूडियो के अंदर घुसे, दे वर देयर फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, एक बार भी उन्होंने कोई बाहर की बात नहीं की, एक बार भी, फोन सारे साइड में थ्रू आउट द थिंग, ठीक है बैठे हैं रिलैक्स कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग, थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक, इधर का म्यूजिक, उधर का म्यूजिक, कुछ बात नहीं करते इधर उधर की, एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक. लग्जरी है, लग्जरी बात है वो खाने वगैरह के बारे में, ये खाते हैं क्या, दैट इज लग्जरी, दैट इज समथिंग यू नो एग्जॉटिक, या कहीं जाते हैं यू नो सम प्लेस टू, एंड दैट टू विल रिलेट, वी ऑल रिलेट. जैसे तमन एस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड वेरी पॉपुलर कंपोजर इन हैदराबाद इन आंध्र इंडस्ट्री, सो आई हैव मिक्स्ड ऑलमोस्ट 150 फिल्म्स फॉर हिम. तो वो 150 फिल्में कर चुका है अगले पिछले आई थिंक 12 सालों में, करेक्ट, ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एंड ही इज 21 ओल्ड डियर फ्रेंड, मतलब 21 साल पुराना दोस्त है, बचपन में साथ में हमने स्टार्ट किया. तो हम लोग भी अभी हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो वी जस्ट प्लान की इधर चलते हैं क्या ब्रो, लेट्स गो देयर यार, क्या करेंगे उधर, मतलब करेंगे क्या, जाएंगे तो यू नो बोर हो जाएंगे, नहीं नहीं सही बात, रिकॉर्ड करते हैं. अच्छा, हम लोग उधर जाके वी फाइंड आउट म्यूजिशियंस एंड फाइंड आउट पीपल, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू, अमेजिंग, टू सेशंस एंड काइंड ऑफ मिक्स इट ओवर देयर ओनली. सो सो वी ऑल काइंड ऑफ do this only, I think it's the best way to be. No, I mean you are more experienced, so mujhe lagta hai, like although this wasn't a question in the list, but I feel everything is just moving in there, but it's good fun. Why? Matlab, you know, the audience, they are like not just aspiring producers, engineers, but even you know aspiring sort of keh sakte hai, composers, music directors, kisi ko direction side pe, kisi ko vocalist banna hai, kisi ko bahut acha instrumentalist banna hai. So I feel aap itne sare logo ke saath milte ho. What difference do you see in them and एक sort of मैं बोलूँगा एक general layman में जो aspiring उस path पे है उसमें और एक you know professional already settled इंसान में क्या difference आप देखते हैं in terms of you know just nature, क्योंकि ये एक बहुत important point है जो अभी हमने discuss किया कि फालतू की बातें नहीं होती, हंसी मजाक होता है, but then वो भी sort of इसी direction में जाता है, वो चीज़ होती हैं, बट देन दे आर नॉट लाइक यार वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यार देख वो क्या कर रहा है, ये नहीं होता. मतलब दे आर जस्ट यू नो फोकसिंग ऑन देयर ओन लाइव्स एंड देयर आर्ट बेसिकली. तो ऐसा क्या एक यू नो गोल्डन पॉइंट दैट यू माइट हैव ऑब्जर्व, बिकॉज आप उसी कम्युनिटी में रहते हो, इवन मेरे पास वो लग्जरी नहीं है, लोगों के पास नहीं है जो आप बता सको दैट यू नो विल हेल्प देम स्पिरिचुअली. आई थिंक इट्स जस्ट पेशेंस यार. Patience. That's the only thing. And patience, you should not think कि मेरे साथ कुछ you know खराब और बुरा हो रहा है या मेरे साथ you know ये हो रहा है. It is just supposed to happen this way. तो इन सब चीजों से मुझे जो सीखने को मिला you know is patience main thing, क्योंकि मैंने इन सब के अंदर बहुत patience देखा. I have lot of patience and to वो जज्बा कि अब ये करने का, ये गाने को best बनाने का. Irrespective of being there, you know, since so many years in the industry, सारे hits, कितने अच्छे गाने देने के बाद भी हर एक वो गाना, अगला गाना उसी you know उसी energy के साथ. तो these are the things basically, all positive things to learn. Correct. तब all positive, basically it's all in the mind. मतलब it's all in the mind. वही है, हाउ यू नो यू परसीव थिंग्स, वैसी चीज़ें होती रहती हैं. बिकॉज वही एकदम से याद आया मेरे को, कल एक दोस्त ने मेरे को बोला कि यार यू नो आई एम नॉट एबल टू गिव माय फुल पोटेंशियल, मुझे लगता है मैं 100% यू नो कर सकता हूँ, मेरा 50% ही आता है, एंड आई वॉन्ट टू यू नो फाइंड आउट, आई एम नॉट फीलिंग गुड कि मैं वो 50% क्यों मिस आउट कर रहा हूँ. तो मैं उसे एक ही चीज़ बोली कि मेहनत कर,
वर्क कर कि उससे बेटर करे, लेकिन उसको इस तरह से मत देख कि वो 50% क्यों नहीं दे पा रहा, मैं उसको इस तरह से देख दैट आई एम ग्रेटफुल कि मैं 50% दे पा रहा हूँ, एंड वो बढ़ेगा ही उसके बाद. तो एम्प्टी एंड हाफ फुल वाला जो हाँ, एम्प्टी हाफ फुल, एग्जैक्टली. यही चीजें इधर उधर की, यू नो, वी कैन रिलेट. आई इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बट आई रियली मिस रीडिंग सच बुक्स, एंड यही सब रेफरेंसेस बहुत कुछ यूट्यूब पे देख लेने का वीडियो आजकल समरी आ जाती है ना. नहीं, मैं देखता हूँ आजकल भगवत गीता की, यू नो, लेसन्स दिखाते रहते हैं वो, कि दीज आर द 15 लर्निंग्स, 10 लर्निंग, चलो कुछ तो, यू नो, वी आर लर्निंग. बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं. चलो, आई वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स, और इसी के साथ हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और मतलब क्या बताऊँ, ये क्वेश्चन आपके लिए, मेरे से इतने लोग पूछते हैं कि प्लीज शदाब जी से पूछो पूछो पूछो, एंड द क्वेश्चन इज कि और ब्रेकडाउन वीडियोस कब आएंगे. देखो गाइस, ब्रेकडाउन के लिए मेरे पास 50,000 गाने हैं. लेकिन प्रॉब्लम, मैं सिर्फ एक ही वर्ड कहूंगा, तुम सब लोग समझ जाना, एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं कॉपीराइट. तो चल रहा है बहुत कुछ अभी, मैं कैसे एक एक को बताऊं मैसेज में, तो मैं बता नहीं रहा. बट अभी सिंस अभी ये इससे मालूम पड़ जाएगा आधे लोगों को जो भी मेरे यूट्यूब पे है या जो भी इंस्टा पे, दे'ल कम टू नो. वो चल रहा है प्रोसेस, वो प्रोसेस जैसे ही क्लियर अप होता है आ जाएगा. मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा सेटल में वैसे बहुत महंगा लाइसेंस नहीं होता गानों का. आई रिमेम्बर दीपेश जी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया, उन्होंने हार्डली आई थिंक 5-7 मिनट के लिए वो दिलबरों का ट्रैक प्ले किया, एंड वहाँ पे लेबल का आ गया कॉपीराइट. सो अब वहाँ पे उनके भी कॉन्टैक्ट थे, मेरे को भी एक दो लोग पता थे वहाँ पे उनके लेबल में कौन काम करते थे. सो आई कॉल्ड देम अप, उन्होंने भी बात की, चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही थी बिकॉज इन दी एंड क्या, राइट सारा उनके पास ही होता है. तो मैंने भी कॉल किया, दे वर लाइक हम इसके लिए ना आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गाने का. मैंने कहा अच्छा चलो, मेरे को थोड़ा बताओ क्या है प्रोसीजर, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू कोलैबोरेट. मैं एक तो रीडायरेक्ट भी कर देता थोड़ा कि हाँ यार गाने सुन लेते लोग वो भी, बट देन चलो मेरे को लाइसेंस का थोड़ा बताओ. आई वॉज लाइक चलो थोड़ा फीजिबल होगा तो देख लेते ले लेते हैं कुछ लाइसेंस. ही वॉज लाइक आपका 10 लाख के आसपास मिल जाएगा लाइसेंस. मैंने कहा मेरी, मेरे को पता नहीं लाइफ टाइम अर्निंग होनी है यूट्यूब से कि नहीं. मैंने कहा छोड़ो, आप ले लो, राइट ले लो, आप वीडियो सब सब ले लो, आप रख लो आप. ये जनरेट करता है एक नए चीज के आइडिया को मेरे माइंड में. सारे स्टूडेंट्स लोग, जितने म्यूजिक के प्रोडक्शन में स्टूडेंट में, वो लोग मिल करके एक यू नो लॉ में एक डालना चाहिए रिक्वेस्ट के, जो एजुकेशन पर्पस के लिए जो चीज ऐसे कर रहे हैं तो उनको छोड़ दिया जाए. हाँ नहीं, जेन्युइनली मतलब क्या ही मॉनेटरी बेनिफिट, इवन इफ अगर आप कॉपीराइट का बात कर रहे हो तो हार्डली देयर इज एनी मनी दैट्स कमिंग इन. जस्ट दैट एक थोड़ा सा सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ यार, आई डोंट वांट आल्सो. इफ द मनी डजंट कम टू, सो व्हाटएवर पीपल वॉच एंड व्हाटएवर एड्स कम्स इन ऑन ऑल, इट्स नॉट पुट बाय मी. ऐसा कुछ नहीं है, वो जो भी ब्राउजिंग का, इवन दो व्हाटएवर मनी वुड बी कमिंग, आई डोंट नो वेदर कम्स, इट कम्स ऑर नॉट, बट जो भी आता है इट गोज टू कंपनी बिकॉज़ द कॉपीराइट मटेरियल इज देयर. करेक्ट, वही डेफिनेटली उनका गाना तो उनको ही जाना चाहिए. बट देन या अभी चल रही है, एक बार वो थोड़ा शॉर्ट होगा तो मैं फिर डालूंगा थोड़ा. मुझे भी पता है लॉन्ग हो गया बट अभी मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मेरा चैनल शुरुआत से कॉपीराइट पे ही चल रहा है. ना तो कुछ मतलब एक बार में संभाल सकते हैं. अरे ये क्या, इतने सारे गाने, 10-10 गाने कॉपीराइट चलते जा रहे, स्ट्राइक आते जा रहे. हाँ वही वही. तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस वही मैं बोल रहा हूँ, पेशेंस. सॉल्यूशन निकाल रहे हैं. कि जो 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 भी जितने भी वीडियो आए हैं, जस्ट देखो उसमें से दोबारा ढूंढो, चीजें मिल जाएंगी. right. और क्योंकि गाने, एंड ऑफ द डे गाने अलग अलग है बट जो थॉट है वो चीजें मोर और लेस सेम है. पर्सपेक्टिव जरूरी है, करेक्ट. हाँ, अलग अलग तरीकों से, बट देन मोटिव सेम है कि अच्छा होना चाहिए. और वो भी आएगा, ब्रेकडाउन भी आएगा. थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा तो आ जाएगा, तुम लोग समझ सकते हो थोड़ा. मुझे बहुत मैसेज आते हैं, बाप रे. हर रोज मुझे 50-100 से ज्यादा मैसेज. नहीं, मैं खुद अपनी टीम मेंबर से बोल रहा हूँ, चलो यू नो यू हैव सम क्वेश्चंस इन माइंड, शदाब जी भी आ रहे हैं पॉडकास्ट पे, तो पहला ही क्वेश्चन एक आता है उसका, सुजल आप जानते हो उसको, मैसेज आता है कि हाँ कि ये ब्रेकडाउन वीडियोस कब डालेंगे. मैं कहा मैं ये पहले पूछ लूंगा मैं ना उनसे. मेरे लिए मतलब क्या है, यू टेल ना, आई विल जस्ट फिनिश माय वर्क.
I'll just sit for 1 hour in front of camera, 2 hours. I'll open a session and I'll just think. मेरा तो कुछ plan नहीं होता, you know, अभी questions जो भी आप पूछे और जो मैं तो भूल भी गया, मुझे पता भी नहीं था कि क्या question है क्या नहीं, सब on the go रहता है. तो मैं खोलूंगा और मैं गाना सुनूंगा और देखूंगा, मुझे याद आ जाएगा मैंने क्या क्या किया और क्यों किया. तो फॉर मी इज जस्ट अ 2 hour जॉब. द थिंग इज दैट कि पेशेंस रखो गाइस, थोड़ा सा पेशेंस. दैट्स रियली अमेजिंग. हो जाएगा, चल रहा है बैक. डेफिनेटली. तो देखो, क्वेश्चंस की लिस्ट तो खत्म हो गई, बस एक छोटी सी परंपरा है हमारी. एंड दैट स्मॉल परंपरा इज कि जो भी हमारे गेस्ट आएंगे वो एक बार हमें राइट बोल के दिखा दें. अच्छा. हाँ जी. कैसा चाहिए? तो वी लव टू हियर इट इन योर वॉइस, योर signature, right? Wait, how do you say right? again. Basically that comes with satisfaction. वो भी बनावटी नहीं, वो चीज पकड़ी लोगों नहीं थी. Like I was working project पे काम कर रहा हूँ and एकदम से, you know, I see a massive difference. खुद content feel होता है and I'm like, right. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, it goes like that. तो guys, जितने लोग ये video देखने वाले हो YouTube पे, जहाँ पर भी, Instagram पे, जो भी जहाँ पर भी आने वाला है, एक बार देखो, उसके बाद मैसेज करो वासुदेव को और मुझे, और उसमें लिखो राइट. ओए होए होए, क्या बात है, एकदम क्लासी. भारी आवाज में लिखो, लिखो भारी आवाज में, लिखो कमेंट, शेयर हर जगह. कमेंट समेंट डालो, क्वेश्चन डालो, ये वीडियो के बाद भी क्वेश्चन डालो. क्वेश्चंस तो हम लोग कर सकते हैं ये सब. हाँ, डेफिनेटली, यू नो, इफ लाइक पीपल आर लर्निंग. हाँ बिल्कुल, वो तो कभी नेवर एंडिंग है. आपके लाइव्स पे कितना चलता है, आपके लाइव सेशंस देखता रहता हूं मैं, यू नो, टू गिव क्वेश्चन एंड आंसर. इट्स ऑल ओके, ऑल कूल. सो डालो क्वेश्चंस, मुझे भेजो, वीडियो के नीचे लिखो राइट, लिखो राइट, काम करो राइट, काम करो सबसे जरूरी. सो इट वाज सो मच फन शादाब जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. एंड लाइक बहुत मजा आया आपसे बात करके. एंड डेफिनेटली हम लोग जल्दी मिलेंगे, विजिट करूंगा मैं वो फिजिकली जगह, काफी थोड़ा सा ठीक हो जाए वेरी सून. I keep coming to Delhi, so I'll catch up, I'll call you. Undone, definitely. And I hope, you know, audience learns a lot from this session and khub sari cheeze seekhne ko mile unhe. Aur yep, dher sara sabko pyar guys, sab acche se karo, practice karo, patience rakho, keep doing. कोई भी चीजें एक दो दिन में, चार दिन में नहीं आती है, महीनों में नहीं आती, टाइम लगता है. करेक्ट. यूनिवर्स लॉ, मैंने बताया ना, यूनिवर्स का लॉ, पेड़ जितना बड़ा चाहिए उतना नीचे जाना पड़ेगा उसके रूट को. करेक्ट. तो आप अपने बेसिक पे ध्यान रखो. एंड वासुदेव, रियली यू आर डूइंग गुड, वेरी गुड वर्क इन आवर कंट्री. आई रियली फील दैट यू आर हर तरीके से, ऑनलाइन फिजिकल बातों से, चीजों से, हंसी मजाक करते हुए, मतलब द बेस्ट पार्ट इज इट्स फन. यू अंडरस्टैंड, यू नो, कि लोगों को कैसे क्या पसंद आता है. यू नो द स्टफ एंड यू आर डूइंग इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ. इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ गॉड. मैं भी देखता हूं सारे वीडियोस, मैं भी देखता हूं. अरे क्या वीडियो आता है वासुदेव, मतलब मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूं, टीचिंग छोड़ रहा हूं. अरे इसको क्या हो गया यार. अरे जब मैंने वीडियो देखा, बोला अच्छा, अरे इतना मिनट खाया वासुदेव ने. अरे ये वो भी क्वेश्चन बहुत जरूरी थे कन्वे करने, बट देन हां, दैट इज somewhat very important. और मुझे लगता है कि मैंने इसी तरीके से सीखा है. और अगर मेरी लाइफ में, यू नो, कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग इंस्पायर्ड हैं, लोग चाहते हैं कि हम भी, यू नो, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत दो चार चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो मैं आगे दूँ. फिर आप लोगों को बुलाने का ही यही पर्पज़ था कि वो, यू नो, दो चार चीज़ें, 200-400 चीज़ें में कन्वर्ट हो जाए. बिकॉज इस छोटी सी डिस्कशन से मुझे खुद इतना सीखने को मिलता है, तो मैं यही सोचता हूँ कि देखने वाली जो ऑडियंस है वो कितना कुछ सीख रही होंगी. And definitely. Very nice. Thank you so much, Vasudev. Enjoy the process and thank you so much for coming in. And definitely and future mein aur cheeze plan out karte hain. Yes, yes, 100%. Bahut sari cheeze plan karenge. Abhi to we just started. so and take care guys. Have fun. Phir milte hain jaldi. Definitely. Aayega breakdown video bhi. Patience rakho, patience rakho. Main chal raha hu. Kya baat hai. Chalo guys. Bye. Bye Vasudev. Bye. Back to the top.